सो हाय एंड वेलकम टू माय व्लॉग। यार सीन कुछ ऐसे है कि ना कभी कभी ना आपके पास ना कोई सब्ज़ी भी नहीं पड़ी होती, तो हमारे पास भी वही सीन था और हम सामने वाले स्टोर पे सब्ज़ियाँ लेने जा रहे थे। यार एक तो यहाँ पर हालात की नहीं समझ आती, पहले तो कभी ऐसे नहीं होता था लेकिन अब ऐसे होता है कि ना कभी कभी रास्ते में ना आपको कोई ना कोई मिल जाता है जो आपसे ना मतलब कि मांगता है पैसे चीज़ें वगैरह, तो बड़ा दुख होता है इन लोगों को देख के। हमने अभी तक इतने लोगों को देखा है कि भाई वो मांग रहे हैं, क्योंकि वो लोग होते हैं जो ना हया पे ही आए हुए हैं कतर में जॉब के लिए, लेकिन हया पर तो जॉब मिलती भी नहीं है और इसी वजह से पाकिस्तान के लिए ना हया कार्ड बंद हो गया है। कभी कभी वैसे भी कुछ लोग काम ख़राब करते हैं और ना सारे मुल्क का नाम ख़राब होता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ औरतों ने चोरी की और पूरे मुल्क का नाम ख़राब हुआ कि पाकिस्तान ऐसा ही है ना, तो ऐसे ही होता है। कम से कम लोगों को ये तो सोचना चाहिए कि भाई हमारे बारे में। वैसे भी यार इतना बोरिंग टाइम चल रहा है ना, बहुत बंदा थक हार के वापस आता है और हालत भी बर्बाद हो जाती है। सही बात है, सब कहते थे आज मौसम ठीक होगा, कल मौसम ठीक होगा, परसों मौसम ठीक हो गया, मौसम ठीक होने का नाम भी नहीं ले रहा भाई। इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। आते साथ सबसे पहले आओ, सामान समेटो, फ्रिज में रखो, चीज़ें वगैरह सेट करो, फिर आराम से बैठो, यही चलता है। लेकिन मुलिया चेक करो, गर्मी से ही ख़राब हो जाता है। यार सीन कुछ ऐसे है कि हम बैंगन का भरता लेकर आए थे और ना मतलब बैंगन लेकर आए थे, अब हमें बनाना था उसका भरता, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था बैंगन का भरता बनाने के लिए। तो हमने सबसे पहले बैंगन को साड़ना शुरू किया है और जैसे ही मतलब कि बिल्कुल अच्छे से वो हो गया, और यार मुझे नहीं पता था कि दो बैंगन का ज़्यादा होता है और एक बैंगन कम, नहीं तो मैं एक बैंगन ही उठा लेती। लेकिन ना जल्दी आँखों में आँसू चेक करो यार, ये प्याज काटने की वजह से आया है। खैर जल्दी से बैंगन हमारे जल गए थे और उसके अंदर से वो हमने सारा वो करके पानी निकाल दिया था उसका, और ना जल्दी से हमने ना प्याज वगैरह वो कर दिया था लाइट सा फ्राई। इसके अंदर जो थोड़े बहुत मसाले डालने थे वही डाले थे और ना फिर ना बैंगन का जो भरता बनाया हुआ था ना वो डाल दिया था। इसके फौरन बाद जैसे कि ऑर्डर मिला था कि दही डालनी है, तो हमने वो डाल के बैंगन का भरता बना दिया। और ये बेचारे हम तो नहीं खाते, तो सब्ज़ियाँ पड़ी थी यार, सोचा ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैंने नूडल्स बना लिया ना, आखिर इंसान को नूडल्स भी तो खाने चाहिए। खैर जल्दी से हमने नूडल्स वगैरह बनाए और नूडल्स इतने अच्छे बने थे। और यार कभी कभी हम ऐसे करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक दिन की चीज़ लेके आते हैं, अगले दिन हम फिर से फ्रेश वगैरह फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स लेने जाते हैं। ज़्यादातर हम ऐसे ही करते हैं, इससे हमारी वक्त भी हो जाती है और ना हम डिसाइड भी कर सकते हैं कि हमने अगले दिन क्या खाना है ना। खैर यार हया बहनों के अब मतलब कि पाकिस्तान में इसके अलावा विजिट वीज़ा चल रहे हैं, तो किसी ने मुझसे पूछा था तो फिर ये उसके लिए रिप्लाई आया। और यार हमने सबसे पहले कटवानी थी मुर्गी, क्योंकि यार इतना टाइम हो गया था हमने मुर्गी को ज़िबा नहीं करवाया था, तो सबसे पहले हमने दी मुर्गी की कुर्बानी। यार ये पाकिस्तानी आवाम कभी बाज नहीं आ सकती ना, यहाँ पर फाइजा ब्यूटी क्रीम पड़ी थी भाई, बस कर दो इतना, क्या तुम लोगों को चिट्टे होने का हिर्स है, मतलब हद होती है यार इतनी क्रीमें, मतलब इस मुल्क के लोगों को तो ज़रूरत भी नहीं है, इसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी लोगों का काम है कि चिट्टे होने की क्रीम मंगवाना और इनको लगाना, तौबा है भाई। है यार हम लोग ना घर पर ना ये डिस्पोजेबल ग्लास और ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं गेस्ट वगैरह के लिए, और वैसे हमारा टिश्यू पेपर वगैरह लेने थे और ये सारी चीज़ें लेनी थी, यही मस्ती होती है। तुम टिश्यू पेपर का रेट 22 रियाल, खैर कोई नहीं होता है। और हम अपनी बचत करने के लिए अपनी 1 रियाल की बोतल अपने साथ रखते होते हैं ताकि हमें जगह जगह से परचेज़ ना करनी पड़े अपनी बॉटल। या मैंने तुम लोग को मछली के बारे में बताया था, ये वो मछली है जिसकी बहुत ही गंदी स्मेल होती है, ये दोनों ही पाकिस्तानी आलू हैं, 1 2 रियाल का, 1 5 रियाल का, लेकिन मैंने बेचारी ने पाकिस्तानी देखते हुए 5 रियाल वाले ही ले लिए। और फिर हमने मुर्गी का गोश्त उठाया यहाँ से और आके सबसे पहले हमने ना दाल बनाई थी सुबह नाश्ते के लिए, प्याज को भिजी काट कर उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मिला कर, वैसे मैं अदरक ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करती हूँ, मैं ज़्यादातर लहसुन इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि लहसुन का टेस्ट होता है ना वही ठीक होता है, अदरक कभी कभी मुझे पसंद ही नहीं आती। इसके बाद इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल के मसाले, लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया और ना थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल के इसको भी अच्छे से भून लें। इसमें भिजी हुई दाल डाल के अच्छे से इसके साथ भून कर
इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए चढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद ये दाल खुद ही पक जाती है। खैर इतने आधे घंटे में मैंने ना आटा भी गूंथ दिया था। इसके बाद बारी आती है दाल को तड़का लगाने की। तो सबसे पहले ये लाल मिर्च और जीरे का तड़का, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमने पहले ही दाल में ऐड कर दी थी, थूम और ये सारी चीज़ें दोबारा से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है तड़के में, और ये वाला तड़का दाल में अच्छा लगता है।